मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स, हमने आपका सिलेबस रिफर्स का कंप्लीट कर दिया है ग्रामर में और आज हम आपको क्षितिज पाठ्य पुस्तिका पढ़ाने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है नेताजी का चश्मा। ये हम आपको गद्यखंड से पढ़ाने जा रहे हैं बेटे और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो देखिए इस पाठ का जो सारांश है वो इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा और समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हालदार साहब कंपनी के काम से 15 दिन में कस्बे से गुजरते। उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, परंतु नेताजी किस कारण उस मूर्ति का चश्मा लगने से रह गया। चश्मे का अभाव खटकता था। उस मूर्ति पर हालदार साहब ने चश्मा देखा पर संगमरमर का नहीं, असली चश्मा। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरते हैं तब चश्मा बदल जाता है। हर बार भी अलग चश्मा देखते पानी वाले ने उन्हें बताया कि चश्मा बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाए तो वह उस चश्मे को ले लेता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कस्बाई मास्टर मोतीलाल का नाम मूर्ति के नीचे लिखा है। उसने महीने भर में मूर्ति तो बना दी पर चश्मा या तो भूल गए या टूट गया। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या उसका संबंध आजाद हिंद फौज से है, तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। हालदार साहब को यह पसंद नहीं आया। कैप्टन एक गुड़ मरियल सा लंगड़ा आदमी था, उसके सिर पर गांधी टोपी थी, उसे कैप्टन क्यों कहते थे किसी को पता नहीं था। एक बार हालदार साहब ने मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा, पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने निर्णय लिया कि अब वे चौक पर नहीं रुकेंगे। 15 दिन बाद जब उधर से गुजरे तो अचानक गाड़ी रोकने को कहा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। ऐसे चश्मे बच्चे ही बना लेते हैं